इस प्लेटफॉर्म से मैं पूरे 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को एक आवाज़ देना चाहता हूँ, एक दिल की आवाज़ देना चाहता हूँ कि मिट्टी जब इकट्ठा होती है तो ईंट बनती है, मिट्टी जब इकट्ठा होती है तो ईंट बनती है, और जब ईंट इकट्ठा होते हैं तो दीवार बनती है, और जब दीवार इकट्ठा होते हैं तो कमरा बनता है, और जब कमरे इकट्ठा होते हैं तो घर बनता है, और जब घर इकट्ठा होते हैं तो मोहल्ला बनता है, और जब मोहल्ले इकट्ठा होते हैं तो शहर बसता है। ये बेजुबान जब इकट्ठा हो सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते हैं? हम हिंदू मुसलमान क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते हैं? तबलीगी और बरेलवी क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते हैं? शिया सुन्नी क्यों नहीं इकट्ठा हो सकते हैं? 135 करोड़ हिंदुस्तानियों से मैं अपील करता हूँ, हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान जितने भी लोग हैं जो पानी पी रहे हैं वो हिंदुओं का अलग पानी नहीं है, मुसलमानों के लिए अलग पानी नहीं है। हम जो रोटी खाते हैं हिंदुओं के अलग होटल्स नहीं हैं, मुसलमानों के अलग होटल्स नहीं हैं, हिंदुओं के लिए अलग फ्लाइट्स नहीं हैं, मुसलमानों के लिए अलग फ्लाइट्स नहीं हैं, हिंदुओं के लिए अलग रेलवे स्टेशंस नहीं हैं, मुसलमानों के लिए अलग रेलवे स्टेशन नहीं है, फिर ये दूरियां क्यों हैं? हमें इकट्ठा होना है, हिंदुस्तान को आबाद करना है तो हमें यूनाइट होना है। और मैं तमाम हिंदू ब्रदर्स को अपील करता हूँ, आई एम फॉर यू, जितना मेरा इल्म है मैं सबको देना चाहता हूँ, हर मुसलमान को देना चाहता हूँ, हर हिंदू को देना चाहता हूँ, हर इंसान को देना चाहता हूँ। और तभी तो मैं कहता हूँ, मेरा तो काम यह है कि जलाता चलूँ चराग, मेरा तो काम यह है कि जलाता चलूँ चराग, राह में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले।